तो अभी बस ईलू आने वाली है, 1.5-2 के करीब हुए हैं, उसके लिए कुछ बनाती हूँ। इतना टाइम लगा है ना, इतना टाइम लगा है कि व्लॉग को एक्सपोर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नाके पे पहुँच के सारा पता नहीं कहाँ चला जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से भी ना मुझे बहुत अजीब लगता है। बस AC ऑन कर दिया है, अब मैं किचन में जा रही हूँ। वैसे तो आज ठंडक है, बट फिर भी उसको चाहिए होता है AC ईलू को, तो जब आती है तो मैं कर देती हूँ। तो बस अब मैं उसके लिए बनाती हूँ। बहुत दिनों से कह रही है कि मम्मी नमकीन सेवैयाँ बना दो, नमकीन सेवैयाँ बना दो, तो आज मैंने डब्बा बाहर ही निकाल के रख लिया, जब डब्बे साफ किए तो उसके लिए बना दूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 28 जुलाई का है व्लॉग, और जो मैं 5 बजे से रूटीन स्टार्ट किया था, मैंने 5 से घर की सफाई की थी, फिर मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, उससे आगे का रूटीन है, मैं नहा ली थी, भगवान को नहलाया था, हर एक कपड़े पहनाए थे, है ना। फिर बीच में तीज आ गई तो मैंने तीज का व्लॉग पहले डाल दिया था। तो बस ये उससे आगे का है रूटीन। तो बस ईलू आने वाली थी तो नमकीन सेवैयाँ मुझे बनानी थी, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पानी में ये सेवैयाँ मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर रखी होती हैं तो वो डाल दी है मैंने, ठीक है, तो वो डाल दी है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऐसे करके इनको बॉईल कर लेती हूँ मैं। उसने बोला हुआ था इस तरीके से, मैंने उसको पहले कभी 1-2 बार खिलाई थी तो उसका मन हो रहा था। और पास में भुट्टा दिख रहा होगा, वो मैं लूँगी, मैं खाऊँगी, आधा ईलू के लिए आधा मेरे लिए, ठीक है। तो ये मैंने उबाल लिया, इनको जो है छान लिया है, और इसमें ठंडा पानी डाल दिया ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाए, ज़्यादा ना गले। तो इसी में मैं सोया सॉस डाल दे रही हूँ, इसी में मैं रेड चिली सॉस डाल दूंगी और ग्रीन चिली सॉस डाल दूंगी, ठीक है, और इसी में मिक्स कर लूँगी और फिर इसको छोंकेंगे कढ़ाई में। साथ ही में मैंने प्याज कट कर लिया है और शिमला मिर्च कट कर ली है, तो वो जो है घी या तेल में इसको पका लेंगे, फिर ये सेवैयाँ डाल देंगे। तो ये रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी हो गया, इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मेरे पास लहसुन की चटनी भी रखी थी, तो ये शेजवान सॉस होता है उस टाइप की, खूब तीखी तीखी है, ईलू रखती है, ईलू को पसंद है, तो वो भी मैंने थोड़ी सी डाल दी, इससे और अच्छा लहसुनी टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हल्दी भी मैंने डाल दिया ताकि कढ़ाई में मिक्स करने का चक्कर नहीं रहेगा। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है यहाँ पे, और ये नमकीन सेवैयाँ इस तरीके से मैं चाउमीन टाइप में बना देती हूँ उसके लिए, तो उसको अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने पेन चढ़ा दिया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, जब घी गर्म हो जाएगा तो बस हींग डालो, या जीरा वीरा भी आप डालना चाहते हो ना तो वो भी आप डाल सकते हो। तो बस हींग डालो और फिर उसमें ये सब्जियाँ डाल दो थोड़ी सी, जो भी कट की आपके पास, जो भी सब्जी हो। मेरे पास अभी प्याज और शिमला मिर्ची थी अवेलेबल, पत्ता गोभी नहीं थी, तो पत्ता गोभी भी हो तो वो भी डाल सकते हो, कॉर्न हो तो आप कॉर्न भी डाल सकते हो। कॉर्न था मेरे पास लेकिन वही मुझे छोंकना था, ये स्वीट कॉर्न नहीं था क्योंकि। तो सब्जियाँ थोड़ी सी पक गई, फिर मैंने ये सेवैयाँ डाल दी, क्योंकि मसाले सारे इसमें और सॉस सारे डले हुए हैं, तो चाहो तो टोमेटो केचप भी इसमें आप डाल सकते हो। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला मैं रखती हूँ, पास्ता मसाला हो गया या मैगी मसाला हो गया, तो वो किसी भी चीज़ में काम आ जाता है, और ईलू को ये सब टेस्ट ना काफ़ी पसंद आते हैं। तो जैसे पास्ता में डल गया, मैक्रोनी में डल गया, चाउमीन में डल गया, ये सब कुछ चीज़ें फिर बनती रहती हैं। तो बस ये तैयार हो गई है, ये देखिए, और बस ईलू भी तब तक मैं आ गई थी, और फिर बस उसको दे दूंगी मैं, और बस वो खा लेगी, और मैं अपना जो भुट्टा है तब तक मैं जो है सेक लूँगी, और आधा मैं खाऊँगी और आधा ईलू खा लेगी, खाएगी। तो बस वो उससे आगे का रूटीन है ये, और फिर क्या होता है वो भी देखते हैं क्या क्या होता है। कपड़े भी मुझे सुखाने थे तो कपड़े भी अभी सुखा के आऊँगी, ये जब खा लूँगी ना तब ईलू को खिला दूँगी, मैं खा लूँगी तब। तो ईलू आती है, चेंज वेंज करती है, और फिर जो है ना अपना टीवी देखते देखते थोड़ा सा कुछ अपना, और बस खा लेती है। फिर बस मैं भी इसके साथ बैठ जाती हूँ, जब ये बंद करती है तो हम दोनों सो जाते हैं, थोड़ा सा इसको सुलाती हूँ, मतलब कि मैं लेटी रहती हूँ इसके साथ क्योंकि फिर ये सोती नहीं है। फिर उतने में इनके टाइम आने का टाइम हो जाता है, तो मुझे तो नींद नहीं लगती, और कभी कभार 5 मिनट की लग भी जाए तो उसी टाइम ना बेल ना बज जाती है। तो बस यहाँ पे बरसात बरसात तो रुक चुकी थी, तो जो कपड़े थे ना मैंने कहा चलो अब सुखा के आ जाते हैं, तो कपड़े यहाँ पे सुखाने आ गई हूँ मैं। टाइम है और आज सुबह से मैं काम में लगी हूँ, और व्लॉग अपलोड होने में जो टाइम लगा है, जो टाइम लगा है कि मैं बता नहीं सकती, चेकिंग हो ही नहीं रही थी कंप्लीट के, कोई मे भी 4 से 5 घंटे लग गए। तो फिर मैं इनका भी वेट करती रही कि ये सब्जियां लेने गए थे थोड़ी बहुत, तो ये भी 5 बजे जाके आए, और ऐसे करके
और ब्लॉग भी हो ही नहीं रहा था, तो अब जाके ना हुआ है, तो अब जाके उसको किया है, तो बहुत टाइम लगा उसमें, फोन भी कई बार एंड हो जाता है, अटक गया कहीं। तो बस अब सब्जियां जो लेके आए उनको धोऊंगी और रखूंगी संभाल के, और फिर देखते हैं क्या होता है। अब बीच में मुझे नींद लग गई थी क्योंकि 10 से 1 मिनट की कोई आंख लगी होगी, तो दिखाती हूँ सब्जी में बहुत ऐसे कम कम ही लाए, ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं लाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी आजकल लाते हैं क्योंकि उतनी खपती नहीं है। तो बस यहाँ पे ये सब्जियाँ और लेके आए थे, तो वो सब्जियाँ जो है वो धोऊंगी अभी, और क्या क्या लेके आए थे वो भी दिखा देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे, और शिमला मिर्च और घिया और तो भूल ही गए थे लाना, और वो जो मिर्ची होती ना वो भरमा मिर्ची के लिए, वो भी नहीं लाए थे, मिर्ची भी नहीं थी, लेकिन इनको ध्यान नहीं रहा शायद, या तो मैं लिस्ट भेज दिया करती हूँ तब वो प्रॉपर लेके आते, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी लाए थे, ज़्यादा नहीं, तो ये ईलू क्योंकि खाती नहीं है, तो कुंदरू करेला ये हमारे लिए होता है। टमाटर ले आए थे, आम थे, प्याज थे, सेब थे, और ये भिंडी है, पत्ता गोभी है, और धनिया पालक था, आलू था, और खीरा ककड़ी मैंने मंगवाई थी कि अब थोड़ा सा मैं डाइट पे जाऊंगी तो खीरा ककड़ी ला दो, और आलू बुखारा ईलू के लिए लेके आए थे क्योंकि ईलू को पसंद है आलू बुखारा। तो ये सारी सब्जियां लेके आए थे, अब इनको मुझे धोना था, और अदरक और नींबू था, बिल्कुल कम कम लाते हैं कुंदरू और करेला और ये ऐसी चीज़ें, तो क्योंकि फिर खपती नहीं है हमारे, क्योंकि ईलू खाती नहीं है ये वाली चीज़ें, तो फिर हम एक एक बार बनाते हैं, वो भी हफ्ते भर में एक सब्जी की बारी आती तब तक में चल जाता है। भूख लगने लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, वही बस भुट्टा खाया था और दूध लिया था, अब लगी है जाके भूख। और ये थोड़ा सा हल्का धो लिया है, पिल पिल्ला सा है, वो वाला ज़्यादा मीठा लगता है, वरना आलू बुखारे ना खट्टे खट्टे होते ना, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सब्जियाँ तो धुल गई थी, तो सब्जियों को जगह पे लगा दूंगी, और पालक थोड़ा सा मुझे साफ़ करने थे, चटनी बनानी थी तो वो आज करूँगी, बाकी ऐसी कोई ख़ास सब्जियाँ आई नहीं है कि कुछ किया जाए, तो नेक्स्ट डे या तो करूँ, क्योंकि आज मैंने डीप क्लीनिंग भी की थी किचन की, और सुबह 5 बजे से बस लगी हुई हूँ काम में, तो थोड़ा सा थकान भी हो जाती है अगर मैं अभी आज ये सारी सब्जियों को करने लगती ना, तो इसलिए तो बस आज पालक को ना संवार के रख लूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ी जल्दी ख़राब होने का रहता है, तो धनिया के भी पूरे की चटनी बना दूंगी। और ईलू का एग्ज़ाम था लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ गया था, उसको काम आ गया था करेक्शन का, तो वॉइस ओवर करने उसको जाना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका साइंस का था, बहुत रोई, बहुत बोला कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब इसकी वॉइस जाती है उस प्रोग्राम में, तो फिर इसको जाना ही पड़ा, इसके पापा माने ही नहीं, और वहाँ पे भी ज़रूरत थी ही थी, तो फिर बीच में से बेचारी गई, अब देखते हैं अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं तो वजह यही रहेगी। तो बस यहाँ पे मैं तब तक में मैंने सोचा ईलू गई हुई है, इसके पापा गए हुए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो इसके पापा वैसे बोल के गए थे कि मैं भी इसके साथ आ जाऊँगा और जल्दी आ जाएंगे हम लोग, तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने बोला था कि मैं करवा दूंगा, लेकिन वही है ना, कहीं जाओ तो आपको तैयार होना पड़ता है, फिर वहाँ काम करने का टाइम अलग, और फिर वापस आने का, तो आपका कम से कम 2 से 2.5 घंटा कहीं जाने में ख़राब होता ही होता है, तो इसीलिए मैंने मना किया था, बट इसके पापा ने बोला वो तो जाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सब्जी कट कर ली थी, आज मेरा मन हो रहा था कि बेसन वाली भिंडी बनाऊँ, तो फटाफट से ये बनाऊँगी बेसनी भिंडी, और प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस ये तो सबको ही आती है, तो इसलिए तो बस बेसन वाली भिंडी बनाई थी मैंने, चटनी बना लूँगी एक हरी वाली, और फिर मुझे लगा था कि कहीं कम ना लगे, और कभी जब मैं एक सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसके पापा को फिर यूँ तो बोलते हैं एक सब्ज़ी रोटी बनाया करो, फिर जब एक सब्ज़ी बनती है तो फिर इनको लगता है कि हाँ एक और तो कुछ होना ही चाहिए था, तो फिर मैंने बाद में बैंगन भी बना दी थी, तो यहाँ पे बस धनिया कट करके चटनी बना दूँगी, वरना ये आजकल पता नहीं मेरे फ्रिज में क्या हो रहा है कि बिल्कुल सही टेम्परेचर में भी मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब्ज़ियाँ थोड़ी जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो रही हैं, ज़्यादा ठंडक लग रही है, बल्कि नॉर्मल में है टेम्परेचर में फिर भी। तो फिर मैंने कहा चलो सारे की बना देते हैं चटनी, और पालक भी सारा संवार के रख दूंगी ताकि नेक्स्ट डे कोई पालक के पराठे और जो है वो बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये दोनों लोग आ गए थे, ईलू अपना पढ़ने लगी थी, अपना काम घर से करने लग गए थे, और बस यहाँ पे मैं अपना पालक जो है वो निकाल लूंगी, तोड़ लूंगी, और फिर इनको रख दूंगी एयर टाइट कंटेनर में,
तो ये अच्छा लगता है कभी कभी, जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है, जल्दी हस्बैंड आ जाए जल्दी। तो पहले तो 5 बजे ही आ जाया करते थे तो, लेकिन आजकल तो कई काम रहते हैं इनको, तो फिर बस ये किया और फिर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे लगा कि एक और बना लेती हूँ, क्योंकि बैंगन भी ना ख़राब होने को थे, वो पिछले हफ्ते के भी रखे थे, पता नहीं पिछले हफ्ते के रखे थे, तो इनको मैंने कट किया था और फटाफट बैंगन की सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, उससे अच्छा तो अपन खा लें। तो भिंडी की और बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि बैंगन भी हम दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही पसंद है, इलू को नहीं पसंद है, तो इलू तो भिंडी खा लेगी, हम ये खा लेंगे ऐसे करके। और लहसुन की चटनी हो ना तो उसको फिर कुछ भी वैसे तो नहीं चाहिए होता है, तो कुछ के भी पराठे बना दो उसके, तो चाहे आलू के, चाहे सोया चंक्स के बना दो, चाहे पालक के बना दो, चाहे किसी के भी पराठे, वो उसको ज़्यादा इजी लगता है खाना इलू को। तो ऐसे करके बस यहाँ पे रोटियाँ बनाई और फिर खाना खाया, और बस ये खाने का काम होके फिर बस वही जो खाने के बर्तन होते हैं, किचन की सफाई होती है, वो सब की, बाकी जो बर्तन लगाने थे वो लगाए और फिर बर्तन करूँगी, क्योंकि जगह ही नहीं थी इसमें, सुबह के हुए रखे थे। तो बस ये चलता जा रहा है आज काम पूरे, लगातार मैंने 3 वीडियो आज के दिन निकाल दी, क्योंकि एक साथ ही पूरे रूटीन देती तो बहुत ज़्यादा लंबा जाता है। कई लोग बोलते भी हैं कि भले ही लंबा होने दो व्लॉग, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं लंबा करती हूँ ना तो पता है क्या होता है कि आजकल एडिटिंग ऐप जो है ना उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, होता ही नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं होता, एक्सपोर्ट नहीं होता, तो फिर इसलिए मुझे छोटा करना पड़ता है। मैं ऐसा सोचती हूँ 10-10, 12-12, 13-13 मिनट का होना तो वो ज़्यादा इजीली हो सकता है, उसमें भी मुझे 4-5 बार मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे खाना वाना हो गया था, किचन की क्लीनिंग हो गई थी, बर्तन हो गए थे, सब कुछ हो गया था, और अगले दिन पालक के पराठे वगैरह कुछ बनने थे, तो फिर ना बस आम कट किए थे, आम लाए थे ना ये, तो बस आम वाम खाया, फिर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बाकी आपको पता ही है कि फेस वेस धोना होता है, फिर मुझे ब्रश करनी होती है, वो सब रूटीन आप जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।